ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। कौन था इब्राहिम और क्यों इब्राहिम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम का सबसे इंपॉर्टेंट नबी कहा जाता है? इब्राहिम के बारे में बाकी अब्राहमिक रिलीजन से इस्लाम में क्या क्या अलग बातें हमें मिलती हैं? क्या इस्लाम का ये दावा ठीक हो सकता है कि इब्राहिम के जरिए दोबारा तामीर किया गया काबा अल्लाह का पहला घर था? क्या क्या झोल मिलते हैं इस दावे में? आखिर कैसे मोहम्मद साहब ने इब्राहिम की गुलाम के बच्चे को अपनी नस्ल से जोड़कर इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन बना दिया? इस्लाम में शादी को सुन्नत इब्राहिमी क्यों कहा जाता है जब बाकी दुनिया भाई बहन के रिश्ते को इब्राहिम से पहले जान चुकी थी? तो इस्लाम बेहतर मजहब कैसे हो गया? क्या यहूदी और ईसाई भी इब्राहिम को उतना ही खास मानते हैं जितना खास इस्लाम में माना जाता है, या वो भी अपने आप को अब्राहमिक रिलीजन्स की कैटेगरी में रखते हैं? आज के एपिसोड में जानेंगे तीनों रिलीजन्स के नबी और इस्लाम के बहुत ही खास नबी इब्राहिम के बारे में, और कैसे इसको जबरदस्ती इस्लाम का एक नबी बनाया गया, और कैसे नॉन मुस्लिम्स को ये विश्वास दिलाया गया कि तीनों रिलीजन्स अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और YouTube से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, या UPI और PayPal के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। इब्राहिम, इस्लामिक नबियों का फर्जीवाड़ा, जिस सीरीज में हम इस्लाम में कॉपी किए गए हर एक नबी के बारे में डिटेल में जान रहे हैं और इस बात पर भी रोशनी डालते चल रहे हैं कि किसी भी नबी को इस्लाम में क्यों जगह दी गई। इसी कड़ी में आज नंबर है इब्राहिम यानी अब्राहम का। कितनी अजीब बात है ना कि दुनिया के तीन रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है, जैसे कि तीनों ही रिलीजन अब्राहम ने ही बनाए हों, या वो पहला नबी या रसूल हो, जबकि तीनों के हिसाब से अब्राहम ने इतना बड़ा कोई काम ही नहीं किया जिसकी वजह से उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए। फिर भी अब्राहम, जिसे इस्लाम में इब्राहिम कहा गया, वो इस्लाम का सबसे अहम रसूल और नबी है। क्यों? इस्लाम में इब्राहिम की बहुत इंपॉर्टेंस है और इतना ज्यादा कि दुनिया भर की मुस्लिम कौम तीनों मजहबों को अब्राहमिक रिलीजन्स कहती है, जिनकी देखा देखी पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम भी तीनों रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स कहने लगे। लेकिन क्या सचमुच अब्राहम यहूदी और ईसाइयों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है? जैसा कि हमने इब्राहिम से पहले नूह के बारे में जाना और तीनों ही मजहबों के मुताबिक नूह ने आदम के बाद पूरी दुनिया को दोबारा जिंदगी दी, क्या इब्राहिम ने ऐसा कुछ बड़ा काम किया? जवाब है नहीं। यहूदियों और ईसाइयों के लिए इब्राहिम से इंपॉर्टेंट नूह था, जबकि खास नबी यहूदियों के लिए मूसा था और ईसाइयों के लिए ईसा यानी जीसस, जिनके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। फिलहाल जानते हैं इस्लाम के खास नबी इब्राहिम के बारे में, जिसके लिए कुरान में एक पूरी सूरा, सूरा इब्राहिम, उसी को डेडिकेट किया गया है। तो आइए समझते हैं इब्राहिम की पूरी कहानी और ये भी कि कैसे इसको इस्लाम में लेकर इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन बना दिया गया और जबरदस्ती यहूदी और ईसाई मजहबों को अब्राहमिक रिलीजन का नाम दिया गया, और ये माहौल बनाने की कोशिश की गई कि अब्राहम उनका भी खास नबी है। इब्राहिम की कहानी। इब्राहिम, जिसे यहूदी और क्रिश्चियन मजहबों में अब्राम या अब्राहम कहा जाता है, इस्लामी अकीदे में साहले के बाद अगला नबी और रसूल माना जाता है। कुरान की 35 सूरतों की 63 आयतों में उसका जिक्र आता है। यहूदी रिवायतों के मुताबिक इब्राहिम मोहम्मद से 2400 से 2600 साल पहले साउदर्न मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के उर शहर में पैदा हुआ था। यहूदी किताब इसाइया चैप्टर 41 वर्स 8 में खुदा ने अब्राहम को अपना दोस्त बताया है। तो इस तरह से यहूदी नबी अब्राहम को खलीलुल्लाह या फ्रेंड ऑफ गॉड का टाइटल मिला, जो इस्लामी नबी इब्राहिम के साथ भी लगाया जाने लगा। बुक ऑफ जेनेसिस 15:1-21 हमें अब्राहम और खुदा के बीच हुई बातचीत के बारे में बताती है। नूह की तरह ही खुदा ने अब्राहम से भी एक अहद किया था। खुदा के साथ अब्राहम की दोस्ती दोनों के बीच इस एवरलास्टिंग कोवेनेंट यानी लाजवाल अहद को मानने पर बेस्ड थी। इस अहद के तहत खुदा ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक अजीम कौम बनाऊंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा और तुम एक नेमत बनोगे, मैं उन लोगों को बरकत दूंगा जो तुम्हें बरकत देंगे, और जो कोई तुझे लानत दे मैं उसे लानत दूंगा, और जमीन पर सभी लोग तुझसे बरकत पाएंगे।
बुक ऑफ जेनेसिस 17:12 के मुताबिक अब्राहम और खुदा के बीच जो अहद हुआ था उसके तहत अब्राहम की नस्ल में पैदा होने वाला हर मर्द बच्चा जिसकी उम्र 8 साल से ज्यादा है उसका खतना करना होगा। हालांकि कुरान में खतने का कोई जिक्र नहीं है लेकिन इसे सुन्नत माना जाता है क्योंकि इस्लामी रिवायतों के मुताबिक मोहम्मद खतने के साथ ही पैदा हुए थे। इब्राहिम के बाप का नाम आजर था जो साम बिन नूह की औलाद में से था। इंजील के मुताबिक आजर लकड़ियों के बुत बनाकर बेचा करता था। इनकी कौम में बुतप्रस्त और नजूमी मतलब तारों की पूजा करने वाले लोग रहते थे। इब्राहिम ने अपने बाप और कौम के लोगों को बुतप्रस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने और तौहीद पर चलने की ताकीद की पर उसके लोगों ने कहा हमें ये अमल विरासत में मिला है और हम ये अमल अपने बुजुर्गों के वक्त से करते आ रहे हैं। सूरह अंबिया 51 में आता है हमने इब्राहिम को पहले ही हिदायत दे दी थी और हम उसे जानते थे। इस्लामी अकीदे के मुताबिक सबसे पहले उसने अपने बाप को तौहीद पर चलने की तबलीग की और बुतप्रस्ती को एक शैतानी अमल बताया लेकिन आजर ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर तू अपनी हरकतों से बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मार मार कर कत्ल कर दूंगा। आप जरा खुद सोचें कि इतनी सी बात के लिए कौन बाप अपनी औलाद का कत्ल कर सकता है। हम आज भी देखते हैं कि न जाने कितने मूर्ति पूजकों के बच्चे इस्लाम कबूल कर लेते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। यानी आज के मूर्ति पूजक भी इब्राहिम से बेहतर इंसान है। खैर आगे चलते हैं। कसीसुल अंबिया के मुताबिक इसके बाद इब्राहिम ने अपने बाप से दूरी इख्तियार कर ली और अपनी दीनी तबलीग का काम और भी जोर शोर से करने लगा। उसकी कौम के लोग अपने खुदाओं के बुतों के पास कुछ खाने की चीजें रख जाते थे जिसे चढ़ावा भी कहा जाता है। इस पर इब्राहिम ने अपने लोगों से पूछा कि जो खाना तुम लोग इन बुतों के सामने रखते हो ये उन्हें खाते क्यों नहीं? ये बेजुबा हैं, बोल नहीं सकते। क्या तुम लोगों में जरा भी अकल नहीं कि तुम अपने हाथों से ही बनाए इन बुतों की इबादत करते हो? ये तुम्हें क्या दे सकते हैं, न नफा न नुकसान। इसके बाद इब्राहिम ने अपने लोगों को इन बुतों को तोड़ने की धमकी दी लेकिन अपनी धमकी का लोगों पर कोई असर ना होता देखकर उसने बुतों को तोड़ने का पूरा इरादा कर लिया। एक बार जब उसकी कौम के सभी लोग अपने मजहबी रस्म के मुताबिक बड़ी दावत में मशगूल थे इब्राहिम ने एक कुल्हाड़ी से सभी बुतों को तोड़ दिया और एक बचे हुए बड़े बुत के हाथ में इसे रख दिया। सूरह अंबिया की आयत 63-68 जब लोग दावत से लौटे तो उन्होंने अपने खुदाओं के बुतों को टूटा हुआ पाया। सूरह अंबिया की 59-60 में आता है कि उन्होंने कहा हमारे खुदाओं के साथ ये सब किसने किया, जरूर वो जालिम है। उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि हमने एक नौजवान को हमारे खुदाओं की बुराई करते हुए सुना था और वो इब्राहिम है। कहते हैं कि जब इब्राहिम को पकड़कर वहां पर लाया गया तो उसने कहा कि यह हरकत उसने नहीं बल्कि उस बड़े बुत ने की है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है। ये सुनकर उसकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बेजुबान बुत बाकी बुतों को खत्म कर दें। तो इस पर इब्राहिम उनसे कहता है कि जब ये बुत किसी को मार नहीं सकते तो तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं। इस कहानी को सुनाकर अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि मूर्ति अपने आप को नहीं बचा सकती और इस्लाम में तो मूर्ति होती नहीं है। हालांकि कहानी कहानी ही होती है और असल जिंदगी में ये बेतुके लॉजिक काम नहीं करते। मैंने अपनी इस वीडियो से ये भी साबित किया था कि मूर्ति ना सही अल्लाह भी अपने पहले घर काबे को अटैक से और टूटने से नहीं बचा पाया था और ना ही अपने जन्नत के भेजे पत्थर को टॉयलेट में लगने से बचा पाया था, तो फिर वो खुदा कैसे बेहतर हो गया। खैर वापस आते हैं कहानी की तरफ। फिर सबने गुस्से में आकर इब्राहिम को आग में जलाकर मार डालने का इरादा किया। सबने लकड़ियां और ईंधन इकट्ठा किया, फिर उन्होंने गहरा गड्ढा खोदा, उसमें लकड़ियां भरी और आग लगा दी और हाथ पैर बांधकर इब्राहिम को एक बड़ी गुलेल की मदद से आग में फेंक दिया, मगर वो आग उसका कुछ न बिगाड़ पाई। कुछ रिवायतों में आता है कि बारिश के फरिश्ते या जिब्राइल ने इब्राहिम से कहा कि हुक्म दीजिए कि मैं इस आग को बुझा दूं, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर अल्लाह की तरफ से आग खुद बखुद ठंडी पड़ गई। हमने कहा ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। सूरह अंबिया की आयत 69-70। इस तरह आग ने सिर्फ उसकी रस्सियां जलाई, कपड़ों को नहीं जलाया। सुभान अल्लाह। लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। फिर इब्राहिम आग से निकले लेकिन इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी कोई मुशरिक उस पर ईमान ना लाया सिवाय लूत के। यानी शैतान अल्लाह से बेहतर था और बिना किसी चमत्कार के सहारे लोगों को मूर्तियों पर इतना पक्का विश्वास करवा चुका था कि अल्लाह चमत्कार करके भी उनका विश्वास ना तोड़ पाया। खैर उस वक्त में एक बादशाह नमरूद बाबिल पर शासन करता था। जब नमरूद के पास इब्राहिम के मौजजे की खबर पहुंची तो उसने इब्राहिम को अपने महल में बुलाकर उसके अल्लाह के बारे में सवाल किया। इब्राहिम ने कहा मेरा अल्लाह वो है जो जब चाहे किसी को जिंदा कर दे और किसी को मौत दे दे, जिंदगी और मौत सिर्फ उसके हाथ में है। इस पर नमरूद ने दो कैदियों को बुलाया और एक को सजाए मौत दे दी और दूसरे को माफ कर दिया और बोला देख मैं भी किसी को जिंदगी और किसी को मौत दे सकता हूँ। फिर इब्राहिम ने कहा नमरूद तू सूरज को मगरिब यानी वेस्ट से निकाल कर दिखा। इस पर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे अपनी रियासत से हिजरत कर जाने का हुक्म सुना दिया। फिर से इलॉजिकल बात,
यहाँ इस बेवकूफ राजा ने इब्राहिम को ये नहीं कहा कि वो या उसका अल्लाह ही ऐसा करके दिखा दे। खैर, कहा जाता है कि इब्राहिम की बीवी सारा इब्राहिम के ही बाप से पैदा हुई थी, बस उसकी माँ दूसरी थी, यानी वो उसकी आधी बहन थी। नमरूद के इब्राहिम को वहां से हिजरत कर जाने के हुक्म के बाद इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा के साथ हर्रान, जो आज तुर्की में है, वहां की तरफ हिजरत की। यहां लोग बुतप्रस्त नहीं थे, लेकिन तारों की पूजा करते थे। सितारा प्रस्त लोगों को एक अल्लाह की इबादत कराने के लिए इब्राहिम ने सितारों, चांद और सूरज को अपना रब कहा, लेकिन जब ये गुरूब होते तो वो कहता, ऐ लोगो, जिन मखलूकों की तुम इबादत करते हो ये तो गुरूब हो जाते हैं, यानी छुप जाते हैं, इसलिए ये तुम्हारे रब नहीं हो सकते, बल्कि ये सब तो अल्लाह की मर्जी से निकलते और गुरूब होते हैं। सूरह अल अनम की आयत 76 और 79। इन सब के बावजूद जब वे लोग ईमान ना लाए तो इब्राहिम सारा और लूत के साथ मिस्र निकल गया। मिस्र का बादशाह फैरो ने इब्राहिम से अपनी बीवी सारा की असली पहचान छुपाई और उसे सिर्फ अपनी बहन बताया, क्योंकि उसे डर था कि सारा की खूबसूरती की वजह से कहीं मिस्र का राजा उसको मारकर उसकी बीवी को अपना ना ले। शोहर के मुकाबले भाई की जान बख्शे जाने के चांसेस ज्यादा थे। मालूम होता है कि एक तरफ जहां इस्लाम के बड़े बड़े नबी बहनों से निकाह करते आ रहे थे, वहीं गैर मुस्लिम समाज में भाई बहन के निकाह को गलत मानने का शऊर पहले से था, यानी मोरालिटी के मामले में ये लोग अल्लाह से भी आगे चल रहे थे। खैर, यहाँ हमें एक हदीस भी मिलती है जिसके मुताबिक मिस्र का राजा सारा पर गंदी नजर रखता है, लेकिन अल्लाह उसको कुछ नहीं करने देता। और फिर मिस्र के बादशाह ने अपने गुलाम हाजरा को एक गिफ्ट के तौर पर इब्राहिम की बीवी सारा को दिया और उनके साथ भेज दिया। आखिर में तीनों कनान, फिलिस्तीन और इसराइल का इलाका, वहां पर आ गए और लूत भी इनके साथ था। वक्त बीतता गया और सारा के कोई बच्चा नहीं हुआ। और जब सारा को यकीन हो गया कि अब वो माँ नहीं बनेगी, तो उसने एक वारिस की आस में इब्राहिम को मनाया कि वो उसकी गुलाम हाजरा से एक औलाद पैदा करे और उससे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए। तब इब्राहिम ने ऐसा ही किया, यानी गुलाम औरत से बिना शादी के बच्चे पैदा करने का बेहतरीन अमल तब भी हो रहा था। खैर, जब इब्राहिम की उम्र 85 साल की थी तो हाजरा ने इस्माइल यानी इश्माइल को जन्म दिया, और उसके कुछ वक्त बाद सारा भी एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम इसहाक रखा जाता है। इसके बाद सारा एक लौंडी के बेटे को जायदाद में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं थी। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक इब्राहिम ने जब सारा का गुस्सा देखा तो हाजरा और इस्माइल को लेकर अरब पेनिनजुला के रेगिस्तान की तरफ चला गया। यही वो कड़ी है जहां से इस्लाम को बाकी अब्राहमी मजहबों से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गुलाम हाजरा के बच्चे इस्माइल की नस्ल से ही मोहम्मद भी है, और इस तरह से वो अब्राहमी मजहबों का आखिरी नबी था। हालांकि इस कहानी में कितना झोल है वो आप मेरी जमजम की कहानी वाली वीडियो से भी समझ सकते हैं, और अगले एपिसोड में भी जब हम इस्माइल की बात करेंगे तो इसको और बेहतर तरीके से जानेंगे। रिवायतों के मुताबिक हाजरा और इस्माइल को मक्का छोड़ने के बाद इब्राहिम उनसे मिलने गए। एक रात ख्वाब में अल्लाह ने उसे अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी करने को कहा। अगले दिन उसने ये बात अपने बेटे को बताई और वो इसके लिए राजी हो गया। अपने बेटे को तड़पता देखना ना पड़े इसलिए इब्राहिम ने आंखों पर काली पट्टी पहन ली, और जैसे ही उसने इस्माइल की गर्दन पर चाकू फेरना चाहा, जिब्राइल ने इस्माइल की जगह एक दुम्बा यानी किस्म की भेड़ को रख दिया। इस तरह से इस्लाम में कुर्बानी की रस्म शुरू हो गई, जबकि तोहरा में कुर्बानी की जगह को माउंट मोरिया यरूशलम में बताया गया है। इस किस्से को बेहतर जानने के लिए आप हमारी बकरीद वाली वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, जहां तक इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी की बात है तो कुरान और तोहरा में इसमें डिफरेंस पाया जाता है। इस्लामी रेफरेंस में हमें इस्माइल और यहूदी किताबों में इसहाक की कुर्बानी और उसके प्रोमिस्ड सन होने का पता चलता है, लेकिन दोनों दावे तो सही नहीं हो सकते, जबकि इन दोनों दावों के पीछे हमें कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता। फिर भी इस्लामी दावे में साफ तौर पर झोल नजर आता है, क्योंकि इब्राहिम के बाद जितने भी नबी आए हैं वो सभी इसहाक की नस्ल से हैं, ना कि इस्माइल की, क्योंकि खुदा ने अब्राहम और उसके लेजिटिमेट औलादों के साथ ही यह अहद किया था। अब क्योंकि इस्माइल गुलाम लौंडी हाजरा से था, इसलिए वो इस अहद का हिस्सा बना ही नहीं। इसलिए इब्राहिम की कहानी के मुताबिक तोहरा का दावा कहानी के ज्यादा नजदीक मालूम होता है। इसके अलावा मोहम्मद साहब के जमाने से पहले इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि इब्राहिम ने इस्माइल को कुर्बानी के लिए चुना था, लेकिन बाद में इस्लामी अकीदे में इसे जोड़ दिया गया। यहाँ तक कि कुछ इस्लामी रिवायतों में भी हमें इसहाक की कुर्बानी का जिक्र मिलता है। लगता है कि मोहम्मद ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए इब्राहिम की कहानी में फेरबदल किया होगा। बुक ऑफ जेनेसिस 25 के मुताबिक इब्राहिम ने 175 साल लंबी उम्र पाई। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में वो खामोश और पुरसुकून हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो वो दुनिया से उकता गया हो। फिर एक दिन वो गुजर गया और उसे अपने पूर्वजों के साथ दफना दिया गया। उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने उसे मकपैला की गुफा में दफनाया, और ये जगह आज यरूशलम के पास है। इस्लाम में इब्राहिम कहां से आया?
पहले तो हमें ये जान लेना होगा कि मोहम्मद ने यहूदी नबी अब्राहम से अपने आप को क्यों जोड़ा और किसी भी तरह से इस्लाम अब्राहमी मजहब क्यों नहीं है। जब मोहम्मद पर पहली बार वही आई या मिर्गी का दौरा पड़ा तो उसकी बीवी खदीजा उसे लेकर अपने चचेरे भाई वरका बिन नौफाल के पास गई जो कि एक क्रिश्चियन स्कॉलर था और फिर उसी ने मोहम्मद को जिब्राइल, तोहरा और बाइबल की कहानियों से उसे रूबरू करवाया। तोहरा और बाइबल में इब्राहिम का एक बड़ा कैरेक्टर था जिसकी नस्ल से लगभग सभी लोग पैगंबर हुए सिवाय उसके बेटे के, जिसे तोहरा और बाइबल में गुमनामी में धकेल दिया गया क्योंकि वो एक गुलाम का बच्चा था। मोहम्मद साहब ने यहाँ एक मौका देखा और अपने आप को उसकी नस्ल में से एक नबी घोषित कर दिया। ऐसा करके उन्होंने अपनी नस्ल को इब्राहिम के खानदान से जोड़ लिया और खुद को लोगों के सामने आखिरी नबी पेश किया। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे इब्राहिम की कहानी में कुछ फेरबदल भी करने पड़े जिसको पुरानी किताबों में करप्शन का नाम दे दिया गया। यही वजह रही कि कुरान की 44 सूरतों की मदद से इब्राहिम को इस्लाम का हिस्सा बनाना पड़ा और सूरह मरियम को मजबूरी में आसमानी किताब में डालना पड़ा। इसके अलावा हदीसों में जो 125,000 नबी होने की बात कही गई है वो भी तोहरा से कॉपी है। उस वक्त भले ही मोहम्मद साहब ने इस्लाम को भी अब्राहमी मजहब बना डाला हो लेकिन बाद में उन्हीं लोगों से जंग भी की, बल्कि कुरान में मोहम्मद साहब से ज्यादा तो ईसा और मूसा का जिक्र है। लेकिन मोहम्मद और उसके साथियों ने यहूदी और ईसाइयों को बेरहमी से कत्ल करवाया जो कि किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसके साथ ही मोमिन भाइयों को यह भी समझना होगा कि इब्राहिम का जितना बड़ा मकाम इस्लाम में बताया गया है उसको देखते हुए तो अल्लाह की वही इब्राहिम पर नाजिल होनी चाहिए थी या कम से कम कुरान का कुछ हिस्सा इब्राहिम पर नाजिल होता। इस्लाम को अब्राहमी मजहब कहने का क्या मतलब जब इब्राहिम का कोई मजहब ही नहीं था, वो तो बस लोगों को तौहीद पर चलने को कहता था जिसे आज इस्लाम में बहुत बड़ी बात माना जाता है। जबकि तौहीद का कॉन्सेप्ट तो आया ही यहूदियों से है क्योंकि वो तो इस्लाम आने से हजारों साल पहले ही एक खुदा की इबादत या तौहीद पर चले आ रहे थे। वहीं अगर कुरान आखिरी किताब है तो इसमें कोई नई बात क्यों नहीं है? सब यहूदी और क्रिश्चियन किताबों की नकल क्यों है और कैसी आखिरी किताब है जिसकी मोमिनों में इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग है? मतलब आज के दौर में मुसलमानों के जितने भी फिरके हैं सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। खुदा की आखिरी किताब में तो पहली किताबों से मौजूद डाउट्स भी क्लियर हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ ये कि आखिरी किताब ने डाउट्स और बढ़ा दिए। मक्का में शैतान पर पत्थर मारने का अमल। जमरात मक्का में मौजूद 3 स्तून यानी पिलर्स हैं और मुसलमानों के लिए हज का अहम हिस्सा है। मक्का की अपनी जियारत के दौरान हाजी अलामती तौर पर शैतान को पत्थर मारने की सुन्नत के तहत इन स्तूपों पर पत्थर फेंकते हैं। शैतान को पत्थर मारना, जिसे रजमल जमरात भी कहते हैं, मुसलमानों के लिए शैतान के बहकावे में ना आने, अल्लाह में अपने ईमान की तस्दीक और पैगंबर इब्राहिम को सम्मान देने का एक तरीका है। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ने इब्राहिम से उसकी सबसे कीमती चीज यानी इस्माइल की कुर्बानी मांगी तब शैतान ने 3 बार उसे अल्लाह की नाफरमानी करने को बहकाया, लेकिन जिब्राइल के कहने पर हर बार इब्राहिम ने शैतान पर पत्थर फेंके। इस तरह से जमरात के ये खड़े पत्थर और चट्टान उसी जगह मौजूद बताए जाते हैं जहां इब्राहिम ने शैतान को पत्थर मारकर भगाया था। गौरतलब है कि यहूदी और क्रिश्चियन रिवायतों में ऐसे किसी अमल का कोई जिक्र नहीं है कि मोहम्मद साहब ने इब्राहिम को अपने साथ जोड़ने की कवायद को पुख्ता करने के लिए ऐसा किया होगा। इब्राहिम के काबा की असलियत। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक इब्राहिम ने काबा उसी जगह बनाया जहाँ आदम के जमाने का काबा था। अब क्योंकि नूह के सैलाब में आदम का काबा बह गया था इसलिए इसे दोबारा बनाने की जरूरत पड़ी। जहां तक ब्लैक स्टोन या हजरे अस्वद की बात है तो रिवायत में माना जाता है कि एक पत्थर जन्नत से आदम और हव्वा को यह दिखाने के लिए गिराया गया कि उन्हें बताया जा सके कि कुर्बान गाह यानी बलि स्थान कहाँ बनानी है, तो जमीन पर खुदा का पहला मंदिर बन गया। मुसलमानों का मानना है कि पत्थर शुरू में एकदम चमकदार और सफेद था लेकिन इसे छूने वाले के गुनाहों को अपने अंदर समेटने की वजह से ये काला पड़ गया। कहा जाता है कि आदम की कुर्बानगाह और जन्नती पत्थर नूह के सैलाब के दौरान खो गए थे। बाद में जिब्राइल फरिश्ते के कहने पर इब्राहिम को आदम की कुर्बानगाह की असल जगह पर यह पत्थर मिला। इस्लामी रिवायतों की माने तो इब्राहिम ने जो काबा बनाया था वो रेक्टेंगुलर शेप का था और इस पर कोई छत भी नहीं थी। आज के काबा की एक साइड में जो सफेद करवी दीवार नजर आती है ये हिस्सा भी इब्राहिम के काबा में शामिल था। बाद में तूफान, सैलाब और आगजनी की वजह से इसे बार बार बनाया गया। मोहम्मद के नबी बनने से पहले इसे कुरेश कबीले ने फिर से बनवाया था लेकिन कम पैसों की वजह से काबा को इसकी असली शक्ल में ना बनाकर एक क्यूब की शेप में बना दिया गया। काबा को हमारे मोमिन भाई खुदा का पहला घर मानते हैं लेकिन बाइबल की कहानी के मुताबिक किंग सोलोमन यानी हजरत सुलेमान ने यरूशलम में सबसे पहले खुदा का घर
जिसे सोलोमन टेम्पल कहते हैं, बनवाया था। तो अगर इब्राहिम जो उससे पहले ही मक्का में खुदा का पहला घर बना चुका था, तो सोलोमन जो उससे हजार साल बाद का एक बिब्लिकल कैरेक्टर है, वो सोलोमन टेम्पल क्यों बनवाता? ओल्ड टेस्टामेंट में भी अरब में खुदा का घर का कोई जिक्र नहीं। अगर वाकई मक्का कोई मुकद्दस जगह थी, तो बाइबल की जितनी भी नई या पुरानी किताबें हैं, उनमें काबा और मक्का का कोई जिक्र क्यों नहीं है? यहां तक कि इस्लाम में जिसे ईसा कहा गया, उसने भी कभी काबा का कोई जिक्र नहीं किया। अब इस पर कुछ मोमिन भाई ये कह सकते हैं कि बाइबल और दूसरी दीनी किताबें तब्दील हो चुकी हैं, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि तब्दील करने की असल वजह क्या रही, जबकि यहूदी और क्रिश्चियन किताबें तो कुरान आने से सदियों पहले लिखी जा चुकी थी। क्योंकि तब्दील वो किताबें होती हैं जो बाद में लिखी गईं, जैसे कुरान। कुरान लिखने वालों ने इस्लाम को बढ़ाने के लिए यहूदी टेक्स्ट और बाकी आसपास की लोक कहानियों को तोड़ मरोड़ के आसमानी किताब में डाल तो दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था एक दिन दुनिया में इंटरनेट नाम का दज्जाल आएगा, जो इस किताब की असलियत पूरी दुनिया के सामने रख देगा। जहां तक मक्का और काबा की तारीख की बात है, तो अरब इतिहास पर लिखी अपनी किताब इस्लाम इन लाइट ऑफ हिस्ट्री में डॉक्टर रफत अमारी लिखते हैं कि चौथी सदी एडी से पहले किसी भी ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल सोर्स में हमें मक्का या काबा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। हमारे पास कई यूनानी और रोमन ज्योग्राफर्स के पूरे रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिन्होंने चौथी सदी बीसी से तीसरी सदी एडी तक अरब के कई दौरे किए थे और अरब खासकर हिजाज इलाके के नक्शे खींचे थे, जो हमें वहां के शहर, गांव, कबीले, मंदिर आदि के बारे में बताते हैं। लेकिन इनमें कहीं भी मक्का नाम के शहर और काबे का कोई जिक्र नहीं है। इन नक्शों की मदद से स्कॉलर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यूनानी और रोमन ज्योग्राफर्स के ये नक्शे हिजाज में किसी मुकद्दस शहर या किसी भी तरह की मुकद्दस जगह होने की संभावना को सिरे से खारिज कर देते हैं। इसलिए इब्राहिम के जमाने में किसी मक्का नाम के शहर का होना बेफिजूल दावा है, क्योंकि तारीखी हवालों से इसका कोई वजूद नहीं मिलता। ग्रीक हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन एराटोस्थनीज ने हिजाज के इलाके के बारे में तफसील से लिखा है, इसमें कहीं भी काबा या ऐसी किसी मुकद्दस जगह का कोई जिक्र नहीं मिलता। और ग्रीक ज्योग्राफर एगथार्किडीज ने भी अपने से पहले के काम पर रिसर्च की और उनके सर्वे को ऑथेंटिक माना जाता है, लेकिन उन्होंने भी मक्का नाम के किसी शहर का जिक्र अपनी रिसर्च में नहीं किया है। यहां तक कि आरामी, मिस्री या रोमन इतिहास में कहीं भी मक्का का कोई जिक्र नहीं। मोमिनों के मुताबिक मिस्री मैथमेटिशियन और ज्योग्राफर क्लोडियस टोलेमी ने अपनी रिसर्च में अरब का एक नक्शा खींचा था। उस नक्शे में जो मकोरबा नाम की जगह है, वही मक्का है। तो चलिए, अगर मान लिया जाए कि मकोरबा नाम का ये शहर ही मक्का है, तो इसकी लोकेशन यमन में क्यों है? टोलेमी के ही मुताबिक ये शहर उस समय नया बसाया गया था, मतलब 100 एडी के आसपास। तो फिर इब्राहिम के साथ इसे कैसे जोड़ दिया गया, जो इससे 2000 साल से भी पहले का एक कैरेक्टर है? तो इस तरह मोमिनों का ये दावा भी झूठा साबित होता है। क्या आज की स्टोरी देखकर आपको लगता है कि इस्लाम असल में कोई अब्राहमिक रिलीजन है? दरअसल यहूदी और ईसाई, जिन रिलीजन से मोहम्मद साहब ने ये नबी कॉपी किया, वो खुद अपने रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन नहीं मानते, और ना ही उनमें से ज्यादातर आज अब्राहम को एक रियल करेक्टर समझते हैं, बल्कि यहूदी मूसा को स्पेशल मानते हैं और क्रिश्चियन ईसा को। तो अब सवाल आता है कि इस्लाम में मोहम्मद साहब ने अब्राहम को ही पकड़कर क्यों खास नबी बनाया? किसी और नबी से अपने आप को क्यों नहीं जोड़ा, जबकि उसके पहले और बाद के भी कई खास नबी थे? दरअसल यहूदी और क्रिश्चियंस की कहानियों में मोहम्मद साहब को केवल इब्राहिम ही एक ऐसा नबी दिखाई दिया, जहां एक गुलाम का बेटा इस्माइल था, जो गुलाम का बच्चा होने की वजह से किताबों में उसका अस्तित्व खो चुका था। यहीं पर वो खाली जगह थी जहां मोहम्मद साहब खुद को फिट कर सकते थे, और इसलिए ही मोहम्मद साहब ने यही कड़ी उठाकर इस्लाम बनाया और फक्र के साथ अपने आप को इब्राहिम के साथ जोड़ दिया। जहां जहां उनकी कहानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, वहां वहां उन्होंने पुरानी किताबों को करप्शन का नाम दे दिया। इस तरह से नए रिलीजन का जन्म हुआ, जिसका बाकी दो नबियों वाले रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं था। इसके बाद इस्लामिक स्कॉलर्स ने पूरी दुनिया में यह नरेटिव सेट किया कि तीनों मजहबों को अब्राहमिक मजहब कहा जाए, और आज ना जाने कितने नॉन मुस्लिम्स भी तीनों मजहबों को अब्राहमिक मजहब कहते हैं, जबकि अब्राहम यहूदी और ईसाइयों के लिए इतना खास नबी था ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि हमारे मोमिन भाई भी सच्चाई को कबूल करेंगे और ईद उल अज़ा, जो इब्राहिम और इस्माइल की याद में मनाई जाती है, उसमें मासूम जानवरों को मारने की बजाय किसी जरूरतमंद की मदद कर दिया करेंगे, क्योंकि किसी जानवर को तड़पा तड़पा कर दी हलाल मौत से खुश होने वाला अल्लाह उनको कुछ नहीं दे सकता, सिवाय जहालत, अंधविश्वास और नफरत के।
इस कहानी में भी इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, जिसको खुदा ने दुम्बे से बदल दिया। क्या आपने कभी सोचा कि ये कहानी सच होती तो आज इंसान भी अपने बेटों की कुर्बानी कर रहा होता और खुदा उनकी जगह दुम्बा लगा रहा होता। कहानी को कहानी की तरह लीजिए, इन किस्सों को सच समझकर मासूम जानवरों की जिंदगी से मत खेलिए। आजाद ख्याली की तरफ आइए और बच्चों को प्यार और इंसानियत सिखाइए। अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज़।